हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज के एग्जांपल में हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने का वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, आप इसमें दो लॉग के बीच में आपको यहां पे प्लस दिया है, तो फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। दो लॉग के बीच में अगर प्लस होता है तो हम ए और बी का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। और अगर दो लॉग के बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन, यानी ए अपॉन बी। अब इसमें आप देखो, दो लॉग के बीच में माइनस नहीं है, दो लॉग के बीच में प्लस है, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो मैंने ये लिखे हैं 3, 4, 5, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूलास है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स होता है, माइनस एक्स माइनस टू एक्स होता है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। और ये जो क्वेश्चन है उसमें कैसे 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 आपको पूछ सकते हैं, एक तो सॉल्व लिख के पूछ सकते हैं। सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। LHS, RHS आपको प्रूव नहीं करने। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं लिखता हूं क्वेश्चन, log x log x माइनस 5 इक्वल्स टू log 6। अभी फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप इसे x को a मान लो और इस ब्रैकेट को अगर आप b मान लो, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला सेट होगा और उसका आंसर क्या आएगा, log a इंटू बी। तो आइए लिखते हैं आंसर इसका क्या बनेगा। फॉर्मूला पुट करने के बाद log a इंटू बी इज इक्वल टू log 6। अब इसमें log log कैंसल हो जाएगा। log log कैंसल कब होता है, जब इक्वल के दोनों साइड पे एक एक log होता है और लॉग से पहले यहां पे खाली होता है, कुछ नहीं होता, उस टाइम पे लॉग कैंसिल होता है। तो चलो देखो इसमें भी लॉग कैंसिल हो जाएगा। लॉग कैंसिलेशन का डिटेल में इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है, वो भी आप देख लेना अगर आपको समझ नहीं आता है। तो ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा इसमें, एक्स एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। x को अगर मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 5x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब 6 को मैं लेफ्ट साइड भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 6 यहां चला गया तो राइट साइड खाली हो गया, तो उसको मैं 0 लिखूंगा। अब इसे आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो ये जो 6 है उसके अलग अलग फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ध्यान देना कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है 3 2s are 6, दूसरा फैक्टर है 2 3s are 6, तीसरा फैक्टर है 1 6 are 6, चौथा फैक्टर है 6 1s are 6, और ये चारों में से कोई भी एक करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कौन से करेक्ट है कौन से नहीं करेक्ट है। तो ध्यान देना किस तरह से करना है। इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपका ये बेसिक क्लियर होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो ध्यान देना, माइनस माइनस साइन दिया हुआ है आपको, उसे आप एक जगह लिख दो माइनस माइनस। माइनस माइनस का आंसर होता है प्लस, ये रिंग आप कर दो। और अब इसे आपको, ये जो साइन है उसको आपको यहां पे यूज करना। तो पहला साइन माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, दूसरा साइन प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन।
अब जो भी आंसर आता है वो आपका मिडल टर्म होना चाहिए, ये वाला, जो भी आंसर आएगा वो आपका मिडल टर्म होना चाहिए, मिडल टर्म। तो ये तो नहीं है, माइनस वन है तो ये तो माइनस फाइव है, इसका मतलब ये फैक्टर्स सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं सिक्स का एक और फैक्टर टू और थ्री, इसमें भी यही साइंस पुट करेंगे, तो माइनस साइन मैं यहां रखता हूं, प्लस साइन मैं यहां रखता हूं, इसका आंसर आएगा प्लस वन। अब प्लस वन हमारा आंसर है बट यहां तो माइनस फाइव है, अलग अलग हो गया, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट। इसमें देखते हैं, इसमें भी इस फैक्टर्स में भी यही साइन पुट करेंगे तो माइनस प्लस, इसका आंसर आएगा प्लस फाइव, माइनस वन प्लस सिक्स इज प्लस फाइव। तो प्लस फाइव अगर आंसर आया है तो ये भी गलत है क्योंकि यहां पे तो माइनस फाइव चाहिए, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं यहां पे, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस इसका आंसर आएगा माइनस फाइव, यानी कि फाइनली हमारा आंसर ये सेम आया है, ये हो रही मीन्स ये जो फैक्टर्स है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अभी जो इनकरेक्ट है उसे मैं रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो इसे मैंने निकाल दिया, टिक साइन भी मैं निकाल देता हूं। अब यहां पे क्या करना है ध्यान देना, माइनस फाइव के बदले हम अभी ये लिखेंगे, माइनस फाइव के बदले क्या लिखेंगे, माइनस सिक्स प्लस वन यहां पे। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने क्या किया, माइनस फाइव के बदले माइनस सिक्स प्लस वन लिखा, बट यहां पे x है ना, तो यहां पे भी x x आपको लिखना है, यहां पे y होता तो यहां पे y y हम लिखते हैं, बराबर। अब कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या x माइनस सिक्स। कॉमन निकालने के टाइम एक बात याद रखना, ऐसी चीज कॉमन निकलती है जो इससे और इससे दोनों से डिवाइड होने के बाद भी डिनोमिनेटर में कुछ बचता नहीं है। यानी सपोज ऐसा होता कि 2x माइनस सिक्स होता तो इसमें से हम क्या कॉमन, सॉरी ऐसा 2x को माइनस सिक्स एक्स होता तो इसमें से क्या कॉमन निकलता, x तो निकलेगा ही, दोनों में x है, पर 2 भी निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2 जब इससे डिवाइड होगा तो भी कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, 2 जब इससे डिवाइड होगा तब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से 2x कॉमन निकाल के आप कर सकते हैं x माइनस थ्री, राइट। तो ध्यान रखना, अब बात आती है यहां पे, तो यहां पे प्लस का साइन है इसलिए प्लस लिखना है, प्लस जब भी लिखते हैं या कोई भी साइन, माइनस हो यहां पे, अगर आप माइनस यहां पे माइनस हो तो यहां माइनस लिखना है, यहां पे प्लस हो तो यहां प्लस लिखना है, बाद में वन लिखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं निकलता है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो वन रखना है। ये x माइनस सिक्स, अब ये फैक्टर्स आपने जो निकाले वो सही है या गलत आपको यहां से आप चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आया दैट मीन्स ये फैक्टराइजेशन आपका करेक्ट है। तो यहां पे x माइनस सिक्स एक बार लिखा, ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो टर्म्स है x और ये प्लस वन उसको एक नए ब्रैकेट में हम लिखते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ये माइनस वन को वहां भेज, माइनस सिक्स को वहां भेजेंगे तो एक्स प्लस सिक्स, यानी माइनस सिक्स वहां जाएगा तो प्लस सिक्स, और प्लस वन वहां जाएगा तो माइनस वन, यानी ये जो तो आपको एक्स की वैल्यू मिली है
ये आपका आंसर्स, ठीक है। अब ये आंसर भी सही है गलत है वो भी आप चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको देखना है कि जो भी फैक्टर्स निकले थे उसकी साइन चेंज करने से ये मिलते हैं या नहीं। यहाँ पे एक फैक्टर माइनस सिक्स था तो हमने साइन चेंज किया तो प्लस सिक्स मिला, यहाँ पे प्लस वन है तो साइन चेंज करने के बाद माइनस वन मिलता है। यानी पूरा का पूरा इस टॉपिक में तो आपको पता ही लग जाएगा कि आंसर सही या नहीं। तो ये सब टेक्निक्स आपको यूज करनी है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई डिफिकल्टीज हो, कोई नया क्वेश्चन हो आपके सिलेबस में, उसका सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आप लिख के दे सकते हैं, उसके भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। और भी बच्चों को शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट से ही मैं अभी और वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, राइट। जिससे मुझे और मोटिवेशन मिला, आपके कमेंट्स भी मुझे सब पॉजिटिव मिलते हैं तो और मैं वीडियोस बनाने का ट्राई करता हूँ। तो आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ग्रो।